आप सभी ने देखा होगा कि जो डिस्क ब्रेक होती है उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं। कई लोगों को लगता है कि इन छोटे छेदों की वजह से ब्रेक ज्यादा अच्छी तरह से लगती है, लेकिन असल में इन छोटे छेदों का काम कुछ और ही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि डिस्क ब्रेक में ये छेद हमेशा से नहीं थे। शुरुआत में जब डिस्क ब्रेक को बनाया गया था तो उस समय एक गोल मोटी प्लेट का इस्तेमाल किया जाता था, और जो आजकल प्लेट डिस्क ब्रेक में इस्तेमाल की जा रही है वो इससे काफी मोटी हुआ करती थी, और मोटी होने की वजह से ये काफी भारी भी हुआ करती थी, और जब ब्रेक लगाने पर ये काफी जल्दी गर्म हो जाती थी। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेकिंग पैड डिस्क पर फोर्स लगाता है, एक तरह से डिस्क पैड को घिसता है, और फ्रिक्शन यानी कि घर्षण बल के कारण ये काफी गर्म हो जाता है। दोस्तों, पहले जब हम एक मोटी प्लेट डिस्क ब्रेक के रूप में इस्तेमाल करते थे तो ये बहुत ज्यादा फ्रिक्शन के कारण गर्म हो जाता था, जिसके बाद इसमें मोटी प्लेट के बजाय एक पतली प्लेट का इस्तेमाल किया गया जिससे ये जल्दी ठंडी हो जाए। लेकिन इसके साथ भी एक परेशानी थी कि ये प्लेट पतली होने की वजह से जल्दी पिघल जाती थी। उसके बाद इस समस्या का हल निकाला गया और इसमें एक छोटे छोटे छेद बना दिए गए। इस प्लेट में छोटे छोटे छेद होने की वजह से वजन तो कम हुआ ही, साथ में इसके बीच से हवा आने जाने लगी जिससे यह प्लेट जल्दी ठंडी हुई।